चलिए गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम बेस। आज हम आपके लिए क्या हुए हैं, काफ़ी स्टूडेंट को डिमांड था कि सर टेस्ट सीरीज चलाइए, तो उनके डिमांड पे लेके आए हुए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस का भी ईयर का भी क्वेश्चन है। और इस वीडियो में आपको टेस्ट देना है और यह वीडियो है जो आपका टेस्ट नंबर 1 है। इसमें आप टेस्ट दे सकते हैं। इस वीडियो में टेस्ट में जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप टेस्ट दीजिए, 30 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है द इंट्रेंड एयर इन कंक्रीट। ऑप्शन सुनिएगा, इंक्रीज वर्कबिलिटी, डिक्रीज वर्कबिलिटी, डिक्रीज रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, इंक्रीज स्ट्रेंथ। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा जो क्वेश्चन आपको आता है उस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नंबर वाइज क्वेश्चन आंसर लिख दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन का टाइम खत्म होता है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज द पॉइंट वेयर। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन है बेंडिंग मोमेंट चेंज साइन, दूसरा ऑप्शन है बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, सी ऑप्शन है बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम, एंड डी ऑप्शन है शियर फोर्स इज ज़ीरो। चलिए बताइएगा इसका आंसर। चलिए 5 सेकंड पूरा हो गया, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम इज। चलिए बताइए द एंजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम इज। ऑप्शन सुनिएगा, बेंडिंग इज होमोजीनियस, मटेरियल इज आइसोट्रॉपिक, यंग मॉडल्स इज सेम इन टेंशन एज वेल इन कंप्रेशन, और नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 5 सेकंड आपका टाइम स्टार्ट। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो जो क्वेश्चन बढ़ रहा है उसका क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर आस्क टू कंस्ट्रक्ट ए मैसिव डैम द टाइप ऑफ सीमेंट यू विल यूज इन। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन 4 को है, यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए हो गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ विकार्ड प्लंजर इज 10 mm, इट्स लेंथ वेरीज फ्रॉम। फिर से क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ विकार्ड प्लंजर इज 10 mm एंड इट्स लेंथ वेरीज फ्रॉम। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपको 4 है, इससे देखकर आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। चलिए हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा न्यूमेरिकल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इफ 1500 ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू हैव सीमेंट पेस्ट 1875 ग्राम ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी द परसेंटेज ऑफ वाटर इज। ऑप्शन आपका है 20%, 25%, 30%, 35%। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका टाइमिंग स्टार्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बन गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी इफ इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन। चलिए फिर से देखिए, एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसमें से आपको चूज करना है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाता है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए लॉस एंजल मशीन इज यूज टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर। लॉस एंगल मशीन इज यूज टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखिएगा, उसके अनुसार टिक कीजिएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन है, टाइमिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्प्योरिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर विच अफेक्ट द सेटिंग टाइम एंड द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज। तो चलिए ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट,
एंड डी है कैल्शियम कार्बोनेट कार्बाइड। चलिए बताइएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजलाना सीमेंट इज यूज्ड विथ कॉन्फिडेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ। बताइएगा पोजलाना सीमेंट इज यूज्ड विथ कॉन्फिडेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ। इसका आंसर बताइएगा। इसका चार ऑप्शन है, देखकर इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर। चलिए बताइए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और एक ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका चार ऑप्शन है, यहाँ से देखिए आप बता सकते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ 30 क्वेश्चन ही है जो कि टेस्ट के लिए 30 क्वेश्चन है जो टेस्ट आपको देना है, ठीक है। नहीं इसमें सॉल्यूशन दिया जाएगा, नहीं कुछ एनी कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन के साथ कुछ अलग कंटेंट भी दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन। डिजाइन ऑफ ए टू वे स्लैब सिंपली सपोर्टेड ऑन एज एंड हैविंग नो प्रोविजन टू प्रिवेंट द कॉर्नर फ्रॉम लिफ्टिंग इज मेड बाय। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है रैंकाइन फार्मूला, मार्कस फार्मूला या रैंकाइन ग्रॉसहॉफ फार्मूला या ग्रॉसहॉफ फार्मूला। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए कुछ समय दिया जाता है आपके लिए, तब तक के लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्लैट स्लैब इज सपोर्टेड, ए फ्लैट स्लैब इज सपोर्टेड। ऑप्शन सुनिएगा, ऑन बीम, ऑन कॉलम, ऑन बोथ बीम एंड कॉलम, ऑन कॉलम मोनोलिथिकली विल्ट विल्ट स्लैब, ठीक है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखा करें ताकि जो स्टूडेंट को न भी आता वो कमेंट देखकर भी थोड़ा जान ले। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन राज हीट ऑफ सपोर्टिंग कॉलम ऑफ ए फ्लैट स्लैब इज टेक्निकली नोन एज। चलिए बताइए, इन लार्ज हीट ऑफ सपोर्टिंग कॉलम ऑफ ए फ्लैट स्लैब इज टेक्निकली नोन एज। इसका ऑप्शन है सपोर्टिंग एंड ऑफ द कॉलम, टॉप ऑफ द कॉलम, कैपिटल या ड्रॉप पैनल, ठीक है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर है, चलिए आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है इसका आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थिकन पार्ट ऑफ द फ्लैट स्लैब ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज टेक्निकली नोन एज। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से, ड्रॉप पैनल, कैपिटल, कॉलम हेड या नॉन ऑफ दीज। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। द सेक्शन ऑफ ए रेनफोर्स्ड बीम वेयर मोस्ट डिस्टेंट कंक्रीट फाइबर इन कंप्रेशन एंड टेंशन इन स्टील अटेन परमिसिबल स्ट्रेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। बताइए इसका आंसर क्या हो जाए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका है बैलेंस सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, इकोनॉमिकल सेक्शन या ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ कॉलम हेड सपोर्टेड ए फ्लैट स्लैब इज जनरली केप्ड। ऑप्शन है 0.25 टाइम्स ऑफ स्पेन लेंथ, 0.25 टाइम्स द डायमीटर ऑफ कॉलम या 4.0 लार्जर देन द डायमीटर ऑफ कॉलम या 5.0 लार्जर देन द डायमीटर ऑफ कॉलम, ठीक है। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एडवांटेज ऑफ ए स्टील मेंबर इज इट्स। तो आपका ऑप्शन है इट्स हाई स्ट्रेंथ, इट्स स्केर्स एंड वाटर टाइटनेस
इट्स लॉन्ग सर्विस लाइफ या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल स्टील बीम आर मेनली यूज टू रेसिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस। दूसरा ऑप्शन है यूज एज इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रेसिस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। सी ऑप्शन है यूज एज इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रेसिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस। एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये ध्यान में रखिए, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल स्टील एंगल सेक्शन इज आर क्लासिफाइड एज। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल, बल्ब एंगल या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। काफ़ी बार एग्जाम में काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग डर जाते हैं कि कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड ड्रिवन रिवेटेड रेंज फ्रॉम 6 to 10 mm इन डायमीटर, 10 to 16 mm डायमीटर, 12 to 22 mm डायमीटर या 22 to 32 mm डायमीटर। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अरे SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 का। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन में पूछा हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग वन रिवेट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिवेट टू द सेंटर ऑफ एडजॉइनिंग रिवेट ऑन एन एडजेसेंट पैरेलल रिवेट लाइन इज कॉल्ड। ठीक, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन है, इसमें से आपको आंसर चूज करना है, आंसर चूज करके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो आया तो आपका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन टू प्लेट आर प्लेस्ड इंड टू इंड एंड आर ज्वाइनिंग बाई टू कवर प्लेट द ज्वाइंट इज नोन एज, उसको कौन सा ज्वाइंट बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है लैप ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, सी ऑप्शन है चैन रिवेटेड लैप ज्वाइंट, डबल कवर बट ज्वाइंट। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन ए लोड इज ट्रांसफर सॉरी वेन ए लोड इज ट्रांसफर थ्रू वन सरफेस टू अनदर सरफेस अनदर सरफेस इज कॉन्टैक्ट द स्ट्रेस इज नोन एज। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस और नन ऑफ दीज। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अरे इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक, ये काफ़ी स्टूडेंट छोड़ देते हैं और स्टूडेंट के कने पर भी टेस्ट सीरीज रखा गया है जो कि आपका टेस्ट 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि टेस्ट में दिया गया है। और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अगले नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट यूज इन पासेज स्टील टैंक। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, 4 mm, 6 mm, 5 mm या 3 mm। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉलम स्प्लाइस इज यूज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम। सॉरी, ऑप्शन है द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम, द रिजिडिटी ऑफ द कॉलम या सी ऑप्शन है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम या लेंथ ऑफ द कॉलम। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कुछ समय दिया जा रहा है, आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, कभी कभी नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज करके भी, कभी कभी आपको लगे कि ज़्यादा फास्ट हो गया तो वीडियो को पॉज करके भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीज इज। चलिए बताइए, परसेंटेज इंक्रीज इन कार्बन इन स्टील डिक्रीज इट्स। ऑप्शन है हार्डनेस, डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ या ब्रिटलनेस। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, तब तक लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अ स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू अ स्टोन इज नोन एज। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है,
ऑप्शन है क्वेरिंग, पिचिंग, सीजनिंग या ड्रेसिंग। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बकलिंग ऑफ सैंड ऑकर्स ड्यू टू। ऑप्शन है आपका एयर इन वॉइड्स, मॉइस्चर इन वॉइड्स, कैपिलरी एक्शन या सरफेस टेंशन। बताइए इस आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा, 3.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 7.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 5.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और डी ऑप्शन है 10.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी अपना टेस्ट दे सके। ये आपका टेस्ट नंबर 1 था, जो कि 30 MCQ क्वेश्चन था और वो भी प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन इसमें लाए थे। ठीक, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। और हाँ, इस वीडियो में कुछ भी त्रुटि आपको लगे कि नहीं सर ये नहीं होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। नीचे में मेरा खुद का ईमेल आईडी भी दिया होगा, ईमेल आईडी पर भी मैसेज कर सकते हैं। और फिर डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो भी रहेगा, वो भी आप देख सकते हैं। और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम लिंक का ग्रुप भी इसमें दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।